स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में PTET एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिज़र्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, तेल शोधन उद्योग के लिए। प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ऑप्शन सी, लक्ष्मण। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो 1765 से 1772 तक। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में पहली अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो ऑप्शन बी, समाज सुधार। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। तो ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी, मिजो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। अगला है, सर्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाना प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। ऑप्शन ए, चावल। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए, कुर्ग। लेकोलिथ संबंधित है तो ज्वालामुखी से। क्वेश्चन है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन ए, माउंट आबू। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1857-97 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी, गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ऑप्शन बी, महमूद गजनबी, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से
वर्णन मिलता है, वर्णन हुआ है, बहे है। विशाख दत्त, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो तुर्कों ने। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? ऑप्शन ए, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। नरसिंह मेहता खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन सी, औरंगजेब। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो ऑप्शन सी, 1560 ईस्वी में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, इंडिका। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? ऑप्शन सी, केंचुआ। ब्लब्बर क्या होता है? ऑप्शन बी, संग बसा की परत। चंगेज खान ने जलाउद्दीन को पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ऑप्शन सी, समाजवाद। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? ऑप्शन डी, चीन। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए, अरावली। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य द्वारा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, एक्सॉन। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। रेशम का उत्पादन किस में होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन डी, 6 वर्ष के लिए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो ऑप्शन ए, जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 में। अब गाइस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका बनता है, किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन ए, सी और डी के तरह। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मॉरिशस।
उत्कंठा का बिल पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए लालसा, उहापोह का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी असमंजस, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, ऑप्शन डी उसको कहेंगे आशुतोष, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उससे कहते हैं आजानुबाहु। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अप उपसर्ग। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, तो ऑप्शन सी उत उपसर्ग। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी उद उपसर्ग। कौन सही सुमेलित है? तो अनुरक्ति विरक्ति। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी उपमा। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो ऑप्शन सी वक्रोक्ति। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो दृष्टांत। निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो बरवय, ऑप्शन बी बरवय। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? ऑप्शन सी मंदा क्रांता। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी वात्सल्य रस। प्रिय प्रभास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? ऑप्शन बी सूरदास। निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? ऑप्शन सी सूर सागर। परमाल रासों की रचना किसने की? ऑप्शन बी जगनिक। रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है? ऑप्शन बी राम भक्ति। दिगंबर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो कालिंदी। बाकी के तीन हैं सुर सरिता मंदाकिनी देवपगा देवापगा। निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलत। बाकी के तीन हैं पंकज सतदल राजीव। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? तो मती राम। किसकी रचना है? मती राम। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी तुरंग। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। निम्न में कौन से शब्द वर्तनी शुद्ध है? शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन सी हितैषी। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो अपनी बुराई नहीं देखना। अगला है मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो आँख का अंधा गांठ का पूरा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी ढपली अपना राग। निम्न में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी। बाकी के तीन हैं जैसे कि सुचि पवित्र सर सरोवर सर्ग अध्याय। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 84 से 85 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। जैसे कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। हमारे नाक में दम हो गई है,
इसका सही रूप होगा हमारी नाक में दम हो गई है। दो टू कहना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए स्पष्ट कहना, स्पष्ट करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? परिमाण, परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए बी और डी के तरह। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द होगा अचिंत्य। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कृत्रिम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मोती, ऑप्शन डी मोती। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बोधन अन। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी दारा। बाकी के तीन है नंदिनी, तनुजा, दुहिता। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी के तीन हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन सी अव्यय। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए धरती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी अच्छा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? तो शीतलतम या शीतलतम। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये होता है कंठ। करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति है? तो ऑप्शन ए भारत के उत्तर पश्चिम में। जैसलमेर की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो देखिए ऑप्शन बी जैसल सिंह ने की थी। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जातपात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया था? ऑप्शन बी संत रैदास। तात्या टोपे ने कब राजस्थान में प्रवेश किया था? ऑप्शन डी जून 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण दमन कब हुआ था? तो मार्च 1858। राजस्थान के लोगों की पगड़ियां साधारणतया कैसी होती हैं? आगे को उठी हुई। गरासिया जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? ऑप्शन सी तीन। अगला, स्त्रियों के क्रय विक्रय के कारणों से संबंधित कौन सा कारण संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी घरेलू दासियां राजपूतों की अवैध संतानें थीं। 1860 ईस्वी में सती प्रथा अवैध घोषित की गई थी? ऑप्शन ए उदयपुर। होली के अवसर पर ढूढ़ाणी और शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चंग होता है जिसे वे बजाते हुए वृत्ताकार रूप में नाचते हैं। तो ऑप्शन बी चंग नृत्य। राजस्थान राज्य का उत्तरतम बिंदु श्री गंगानगर जिले का कौन सा गांव है? ऑप्शन ए कोड़ा गांव। राजस्थान के किस गांव को यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान साइबर गांव के मॉडल के रूप में तैयार किया गया था? ऑप्शन डी नायला। मसूरदी नदी की संज्ञा राजस्थान की किस नदी को दी गई है? ऑप्शन सी काकनी। निम्न में से किस बांध पर
पन विद्युत गृह या भोपाल जल विद्युत गृह बना है? तो राणा प्रताप सागर। राजस्थान के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा जो है बनी रहती है? तो पूर्वी भाग। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक पशुचारण। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया जाना है? यह स्थित है जोधपुर में। कड़ाना बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो माही बजाज सागर। ब्यास परियोजना से राज्य के कितने क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो 4,00,000 हेक्टेयर। किस संग्रहालय में गुप्त काल से लेकर 16वीं शताब्दी तक की पाषाण प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं? ऑप्शन बी, राजकीय संग्रहालय अजमेर। ग्रामीण विकास केंद्र कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में मिनी ग्रामीण विकास केंद्र कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो 1996 से 1997। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है श्रीनाथ जी का मंदिर। जयपुर दिल्ली के बीच 18 अक्टूबर 1992 से पर्यटक विमान सेवाएं कौन उपलब्ध करवा रहा है? ऑप्शन सी, सिटी लिंक एयरवेज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो ऑप्शन ए, कोटा। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? गरासिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से, धर फलक अजयका पाद से, चक्र पुरुष किस स्थान से मिले हैं? तो ऑप्शन ए, रंग महल। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, मेथी। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम योजना में। राजस्थान में राठी किस्म की गाय किन जिलों में पाई जाती हैं? बीकानेर, श्री गंगानगर। मेवाड़ के निम्न में से किस गुहिल शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया? तो ऑप्शन ए, अल्लत। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन बी, अजमेर। अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1946। राजस्थान में सती प्रथा सबसे अधिक कौन सी जाति में प्रचलित थी? राजपूत। ब्रिटिश सरकार के किस सेनापति ने टोंक के नवाब की सेना को पराजित किया था? जनरल रॉबर्ट्स। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? ऑप्शन सी, राम नारायण चौधरी। कौन से नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती हैं? तो नेजा नृत्य में। राजस्थान में शैल समूहों में भूमिगत जल के व्यापक भंडार उपलब्ध हैं, वे हैं? तो ए और बी दोनों, बालू काश्म और चूना पत्थर। राहुघाट जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन डी, करौली। इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? जैत सिंह। भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियों का वह वस्त्र जो कपड़ों के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाया जाता है तथा जो पीठ पर तनियों से बांधा जाता है? ऑप्शन सी, कापड़ी।
सुमेलित करना एक में जनजाति है, दूसरे में स्थान है और कोर्ट के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए, पहला गरासिया आबू रोड, फिर है डामोर सीमलवाड़ा, सहरिया हो जाएगा किशनगंज, सांसी हो जाएगा भरतपुर। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है तो नोहर तहसील। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। गणेशर का टीला कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शन सी बूंदी। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी? तो महाराणा प्रताप सिंह। में दिए गए नृत्य में कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो गैर नृत्य। रणथंभौर का युद्ध जो कि हुआ था 1301 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा हमीर के। नाकोड़ा किससे संबंधित है? धार्मिक केंद्र से। राजस्थान के कौन से कवि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? अबुल फजल। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये सभी झालावाड़, कोटा और बूंदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित जिले हैं बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। मावट की उत्पत्ति किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? NH-15। दिए गए जिलों में राजस्थान का मरु जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी बाड़मेर। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किस स्थान से होता है? गोटन से। नेक्स्ट, उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है? माही नदी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।